सो ही गाइस व्हाट्स अप, स्वागत आपका एक गेमिंग न्यूज के फ्रेश एपिसोड में, जहां पे मैंने आपके लिए ये बहुत ही कमाल की गेमिंग न्यूज। तो गाइस ये है पार्ट 58, सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस बढ़ लेते सबसे पहले न्यूज की तरफ। तो गाइस पहले न्यूज आ रही है एनवीडिया जीफोर्स नाउ क्लाउड गेमिंग सर्विस के रिगार्डिंग। तो गाइस कुछ ही दिनों पहले एनवीडिया ने अनाउंस कर दिया था कि एनवीडिया को रिमूव करने पड़ रहे सारे 2K गेम्स, जो कि गाइस है थर्ड पब्लिशर। और रही बात बाकी के दो पब्लिशर की, जो कि इंक्लूड करते हैं एक्टिविजन और साथ ही साथ में बेटस्टा, तो ये दोनों भी जो गेमिंग पब्लिशर्स है उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया है कि एनवीडिया जीफोर्स से कि वो उनके गेम्स रिमूव कर दे। तो एनवीडिया ने कहा है कि हम फर्दर मोर ट्राई करेंगे इनके सारे गेम्स अपने प्लेटफॉर्म पे खेलने के लिए, बट फिलहाल आपको ये तीनों भी पब्लिशर्स में के कौन से भी गेम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे एनवीडिया जीफोर्स नाउ क्लाउड गेमिंग सर्विस के ऊपर। और रही बात गाइस एपिक गेम स्टोर और यूबीसॉफ्ट की, तो गाइस एपिक गेम स्टोर और यूबीसॉफ्ट गाइस दोनों भी सपोर्ट करते हैं एनवीडिया जीफोर्स नाउ को, यानी कि आपको असैसिन्स क्रीड के सारे गेम्स या फिर फोर्टनाइट ये आपको इजीली देखने को मिल जाएगा एनवीडिया जीफोर्स नाउ सर्विस के ऊपर। और रही बात गाइस साइबरपंक 2077 गेम की, ये आपको जिस दिन लॉन्च होगा उसी दिन आपको ये गेम एनवीडिया जीफोर्स नाउ के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस बढ़ लेते अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज आ रही है रिगार्डिंग पबजी पीसी। तो जिसे आपको प्रीवियसली पता था कि पबजी पीसी में से वीकेंडी जो मैप है रिमूव कर दिया था और उसकी जगह आ गया था काराकीन मैप। तो गाइस काराकीन मैप आपको एक छोटा सा 2x2 किलोमीटर का एक छोटा मैप देखने को मिल जाता था, बट अभी गाइस वीकेंडी जो मैप है वो फिर से वापस आ जाएगा इन नेक्स्ट सीजन, जो कि रहेगा वीकेंडी 2.0। तो गाइस वीकेंडी 2.0 में गाइस बहुत सारे नई चीजें ऐड हो चुकी है, विच मेनली इंक्लूड करते हैं ट्रेन और साथ ही साथ में गाइस जो डायनो पार्क था वो हो चुका है डायनो लैंड, और साथ ही साथ में गाइस आपको बहुत सारे नई लोकेशंस भी देखने को मिल जाएगी। और जो स्नो था वीकेंडी मैप का वो भी रिमूव कर दिया है, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा लैंडस्केप देखने को मिल सकता है वीकेंडी 2.0। वैसे बहुत ही कमाल का अपडेट आपको वीकेंडी मैप के अंदर देखने को मिल जाएगा इन पबजी पीसी इन नेक्स्ट सीजन। तो बढ़ लेते अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज आ रही है असैसिन्स क्रीड ओडिसी गेम की तरफ से। तो असैसिन्स क्रीड ओडिसी वन ऑफ द बेस्ट गेम थी असैसिन्स क्रीड सीरीज की, जो कि गाइस आपको फ्री में खेलने को मिल जाएगी अप टिल मार्च 22 तक। तो ये जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम मार्च 19 अप टिल मार्च 22 तक। तो यूबीसॉफ्ट ने गाइस ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है कि ये जो गेम है आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको असैसिन्स क्रीड ओडिसी गेम खेलनी होगी तो आप इस गेम को डेफिनेटली फ्री में खेल सकते हो अप टिल मार्च 22 तक फ्रॉम यूप्ले या फिर एपिक गेम स्टोर्स। सो बढ़ लेते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आ रही है रेसिडेंट इविल 3 रीमेक गेम की तरफ से। तो रेसिडेंट इविल 3 रीमेक ये जो गेम है वो रिलीज होने वाला है ऑन अप्रैल 3rd। तो इसका जो डेमो वर्जन है उसकी भी एक रिलीज डेट कैपकॉम ने रिलीज कर दी है, जो कि है मार्च 19। तो आप मार्च 19 के बाद रेसिडेंट इविल 3 का डेमो वर्जन है वो खेल पाओगे फ्रॉम स्टीम। और साथ ही साथ में गाइस रेसिडेंट इविल का और एक गेम है जो कि है रेसिडेंट इविल रेजिस्टेंस, तो ये जो गेम है वो भी रिलीज होने वाला है ऑन अप्रैल 3rd। और इसका जो ओपन बीटा है वो चालू हो जाएगा फ्रॉम मार्च 27th, तो जहां पे आप सभी भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। ये दोनों भी जो गेम है वो रिलीज होने वाली ऑन अ सेम डेट, जो कि अप्रैल 3rd। तो गाइस बढ़ लेते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज आ रही है होराइजन जीरो डॉन कंप्लीट एडिशन गेम की तरफ से। तो होराइजन जीरो डॉन कंप्लीट एडिशन ये जो गेम है वो PS4 एक्सक्लूसिव गेम आपको देखने को मिल जाती थी, जो कि रिलीज हुई थी ऑन 28 फेब 2017 को। तो ये जो गेम है वो अभी आपको पीसी के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी इन समर 2020 को। तो अभी तक तो कुछ कन्फर्म डेट रिलीज नहीं हुई है, तो जैसे ही डेट रिलीज हो जाती है तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। तो ये जो गेम है वो आपको समर 2020 में देखने को मिल जाएगी, जिससे कि गाइस इसका एक स्टीम के ऊपर पेज भी आ चुका है जहां पर गाइस डायरेक्टली लिखा हुआ है कि 2020 समर को ये गेम आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस बढ़ लेते हैं कुछ एंड्रॉइड गेमिंग न्यूज की तरफ। तो पहले न्यूज आ रही है एक न्यू एंग्री बर्ड गेम की तरफ से। तो गाइस आपको एक न्यू एंग्री बर्ड गेम देखने को मिल जाता है, जो कि है एंग्री बर्ड कैजुअल। तो गाइस ये जो गेम है वो रिलीज हो चुका है, यानी कि आपको ये जो गेम है सिर्फ और सिर्फ फिलहाल दो ही कंट्री में देखने को मिलेगा, जो कि है US और मेक्सिको। और रहेगा बाकी की कंट्रीज की, तो कुछ ही महीनों के बाद आपको ये गेम सारे ही कंट्री में देखने को मिल जाएगा। सो बढ़ लेते अगले न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज आ रही है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम की तरफ से। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम के अंदर आपको एक न्यू मैप में भी देखने को मिल जाएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट या फिर आप कह सकते हो वन ऑफ द फेमस मैप था फ्रॉम कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप 2, जो कि है मेल्टडाउन। तो मेल्टडाउन ये जो मैप है वो आपको जल्द से जल्द ही कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में भी देखने को मिल पाएगा, इस पर उन्होंने अनाउंस कर दिया ट्विटर हैंडल से कि ये कमिंग सून है, यानी कि आपको कुछ ही दिनों में या फिर आपको ये समर में देखने को मिल सकता है।
तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतनी ही न्यूज थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसी गेमिंग न्यूज की सीरीज देखने के लिए और साथ ही साथ में गेम की अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो गाइस मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।